हाय गाइस, स्वागत है आपका टेक्निकल एंड AI अपडेट में। आज मैं आपको शो करूंगा कि हाउ विल आई क्रिएट द यूज़र एंड हाउ विल असाइन द यूज़र ग्रुप्स फॉर द फॉर्टीनेट फायरवॉल फॉर अ यूज़र। तो बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स को थोड़ा प्रॉब्लम होती है कि कैसे हम फॉर्टीनेट फायरवॉल में यूज़र क्रिएट करेंगे और कैसे हम उस यूज़र को ग्रुप असाइन करेंगे कि हमें उसे केवल VPN एक्सेस देना है या फिर इंटरनल एक्सेस देना है। और साथ ही साथ मैं आपको डॉक शेयर करूँगा कि फॉर जैसे हम सोफोस की अगर बात करें तो उसमें यूज़र परमिट की का ऑप्शन होता है कि हम उसे एक लॉगिन क्रेडेंशियल के साथ अलाउ कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, 10 कर रहे हैं। बट फॉर्टीनेट में आपको इन ग्राफिक्स व्यू में आपको नहीं होगा, वो आपको CLI कमांड से करना होता है। तो ये मैं यूज़र एक्सटेंड करने के लिए अलग से एक आपको वीडियो दूंगा, बट इसमें मैं केवल आपको ग्रुप कैसे असाइन करेंगे, उसे VPN असाइन करें या उसका ग्रुप नॉर्मल ग्रुप असाइन करें, वो मैं आपको शो करूंगा। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि उसे कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले लॉगिन करते हैं हम कंसोल में। तो अगर ऐसा आता है तो उसे एडवांस पे क्लिक करके प्रोसेस करें, देन अपने क्रेडेंशियल के साथ उसे लॉगिन करें। ये लॉगिन हो गया है। अब हम चलते हैं यूज़र ऑथेंटिकेशन में, देन यूज़र ग्रुप, देन यहाँ क्रिएट अ यूज़र, नेक्स्ट डिफाइन अ यूज़र नेम। सपोज मैं यूज़र नेम दे रहा हूँ डेमो 1। पासवर्ड उसका दे दीजिए जो रखना चाहें। नेक्स्ट, अगर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप अलाउ करना चाहते हैं तो इसे यहाँ से ऑन कर दें। यहाँ 2 तरीके हैं, एक फॉर्टीनेट टोकन एंड फॉर्टीनेट क्लाउड। और अगर आप वहाँ इसका SMS वगैरह दे देते हैं, SMS कॉन करते हैं, तो उसका डिजिटल कोड वगैरह ये कौन सी कंट्री का है वो देना पड़ेगा, उसका फ़ोन नंबर, और उसे सेटअप कर सकते हैं। बट मैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को TFA एनेबल नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल यूज़र क्रिएट कर रहा हूँ। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ आता है यूज़र ग्रुप्स। यूज़र ग्रुप को जैसे ही आप ऑन करेंगे इसमें प्लस का बटन आएगा, प्लस का बटन दबाएंगे तो यहाँ सारे ग्रुप्स आपको शो कर देंगे। अब अगर आपने कोई VPN के लिए अलग से ग्रुप बना रखा है तो अगर VPN यूज़र भी वह देना चाहते हैं तो उस ग्रुप को अलाउ करेंगे, सबमिट करेंगे तो केवल VPN के लिए अलाउड होगा, वो आपके इंटरनेट के लिए अलाउड नहीं होगा। लेकिन अगर आपका कोई अलग से कोई ग्रुप है जिसे आप इंटरनेट पे उसे देना चाहते हैं तो आप उसे इंटरनेट वाले ग्रुप पे क्लिक करके और उसको अगर इसमें ले लेते हैं और उसे सबमिट करते हैं तो अब डेमो यूजर आपका दोनों चीजों के लिए अलाउड है। ये देखिए डेमो यूजर यहाँ कॉर्पोरेट लाइन के लिए भी अलाउड है और आपके VPN के लिए भी अलाउड है। लेकिन अगर मैं यहाँ से केवल उसे इंटरनल लाइन के लिए अलाउ करना चाहता हूँ तो जैसे इसे आप सबमिट करोगे अब ये केवल आपका एक ही चीज के लिए अलाउड होगा, वो है केवल इंटरनेट के लिए। ये देखो अब ये केवल आप वो इंटरनल यूज़र केवल वो अपने इंटरनेट चला सकता है, बाकी वो आपका VPN एक्सेस नहीं कर सकता जब तक कि आप उसको VPN ग्रुप का उसे एक्सेस नहीं देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने यूज़र को VPN और इंटरनल के लिए सेग्रीगेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको किसी फायरवॉल में किसी और चीज़ से प्रॉब्लम है तो आप उसे कमेंट्स में ज़रूर बताएं ताकि मैं उस वीडियो को लेके आ सकूँ आपके लिए। थैंक यू।